दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं महान साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा दी गई जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में। इस वीडियो में चीजों को सिंपल और इजी टू अंडरस्टैंड रखने की कोशिश की गई है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियो में हमने अल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में बात की थी, जो कि मेनली रिलेटिव स्पीड और लाइट के कांस्टेंट नेचर के बारे में बात करती है। अब दोस्तों, ये सब तो ठीक है, लेकिन आइंस्टाइन की स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में कुछ ऐसे अपवाद और कमियां भी हैं, जिनकी भरपाई के लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने 1915 में जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को भी लॉन्च किया। दोस्तों, स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की जो सबसे बड़ी खामी है वो ये है कि ये कांस्टेंट वेलोसिटी पर काम करती है, और जबकि हमारे आसपास की चीज़ें प्रैक्टिकली ऐसी नहीं होती है। इसी के साथ साथ अल्बर्ट आइंस्टाइन अपनी नई थ्योरी में न्यूटन की ग्रेविटी में जो गलतियां थी उनको भी सुधारना चाहते थे। दोस्तों, दरअसल न्यूटन के अनुसार ग्रेविटी एक तरह का फोर्स है जो कि इंस्टेंटली एक पिंड किसी दूसरे पिंड पर लगाता है। अब यहाँ पर एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती है, जैसे कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये बताया था कि लाइट दुनिया की सबसे फास्टेस्ट एग्जिस्टिंग चीज़ है, और दोस्तों न्यूटन की जो ग्रेविटी है उसका इन्फ्लुएंस लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा हो रहा था, यानी कि न्यूटन की ग्रेविटी को छोटी स्केल पर लागू करने पर ये एकदम परफेक्टली चीज़ों को बता रही थी। बट जैसे ही न्यूटन की ग्रेविटी को एक यूनिवर्सल लेवल पर देखा जाता है तो उनकी थ्योरी में हमें बहुत सारे लूपहोल्स दिखाई देते हैं जिनको आइंस्टाइन भी समझ चुके थे। जैसे कि अगर मैं हमारे इस सोलर सिस्टम का एग्जांपल लूं, तो देखिए दोस्तों, न्यूटन के अकॉर्डिंग ग्रेविटी एक इंडिपेंडेंट फोर्स है जो कि किसी भी अदर फैक्टर और फोर्स पर डिपेंड ना करते हुए केवल ऑब्जेक्ट के मास और उनके बीच की डिस्टेंस से ऑपरेट होता है। यानी कि अगर अचानक से सूरज हमारे सोलर सिस्टम से गायब हो जाए तो पृथ्वी पर पड़ने वाले जो सूरज का ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस है वो भी तुरंत गायब हो जाएगा। अब दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं कि लाइट को तक सूरज से लेकर हमारे अर्थ तक की डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए 8 मिनट का टाइम लगता है, और न्यूटन के अनुसार यहाँ पर ग्रेविटी का इन्फ्लुएंस लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा जा रहा है। तो दोस्तों, इन्हीं कुछ रीजंस की वजह से अल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक और कॉम्प्रिहेंसिव थ्योरी बनाने की सोची, जिसको उन्होंने जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का नाम दिया। तो दोस्तों, आइए जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को ब्रेक डाउन करते हैं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही होंगे, हमारा यूनिवर्स मेनली दो फंडामेंटल कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जो कि है स्पेस और टाइम। हमारी धरती से लेकर हजारों लाइट ईयर्स दूर मौजूद सभी तारे, गैलेक्सीज और सभी एग्जिस्टिंग चीजें इन्हीं दो कंपोनेंट्स स्पेस और टाइम में इंक्लूड होते हैं। दोस्तों, स्पेस एक 3-डायमेंशनल फैलाव है जिसमें सारी फिजिकल बॉडीज और ऑब्जेक्ट्स एग्जिस्ट करते हैं, और वही टाइम हमारे इस स्पेस से जुड़ा हुआ एक ऐसा डायमेंशन है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को पास्ट से प्रेजेंट और फिर फ्यूचर में ले जाता है। ये एक ऐसा फंडामेंटल कंपोनेंट है जिसकी मदद से हम किसी भी इवेंट की प्रोग्रेशन और ड्यूरेशन को मेजर करते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन से पहले स्पेस और टाइम इन दोनों को एक सेपरेट एंटिटीज माना जाता था जो कि इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करती है। पर दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इस चीज पर जब रिसर्च करी तो उन्होंने बताया ये दोनों एंटिटीज सेपरेट नहीं बल्कि आपस में ही इंटरकनेक्टेड रहते हैं। दोस्तों, आइंस्टाइन के अनुसार हमारा पूरा यूनिवर्स इसी 3-डायमेंशनल स्पेस और 1-डायमेंशनल टाइम से मिलकर बना है, और यही दोनों एंटिटीज यूनिफाइड होकर एक इमेजिनरी फैब्रिक का निर्माण करते हैं जिसको कि अल्बर्ट आइंस्टाइन ने स्पेस टाइम का नाम दिया। यानी कि संसार में मौजूद सभी छोटी से लेकर बड़े और मैसिव ऑब्जेक्ट्स, हर चीज इसी फैब्रिक में मौजूद है। दोस्तों, आइंस्टाइन की इस लेवल की अंडरस्टैंडिंग ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया था। आज इस थ्योरी की मदद से हम अपने इस विशाल और अनंत ब्रह्मांड को समझ पा रहे हैं, चाहे वो एक स्टार के बारे में जानना हो, बिग बैंग को समझना हो या फिर ब्लैक होल का अध्ययन करना हो। आइंस्टाइन की थ्योरी कॉस्मोलॉजी के हर एक पहलू को समझने में एक अहम किरदार प्ले करती है, और इन्हीं सब के साथ ही हमारी डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। अब दोस्तों, मजे की बात यह है कि स्पेस टाइम में मौजूद ये सभी ऑब्जेक्ट्स, चाहे वो कोई एटम हो या फिर मैसिव स्टार्स, ये सभी अपनी अपने मास के हिसाब से इसी फैब्रिक में एक गड्ढा क्रिएट करते हैं, बिल्कुल कुछ इस तरह। और इसी गड्ढे की वजह से जन्म होता है ग्रेविटी का, और ग्रेविटी के बारे में हम बात करेंगे अपनी आने वाली वीडियो में। दोस्तों, दरअसल ये वीडियो एक वीडियो सीरीज का पार्ट है जिसमें हम जानेंगे थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के
सारी जरूरी कॉन्सेप्ट्स को। आप इस वीडियो सीरीज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हैं। ये इस सीरीज का दूसरा वीडियो है और आगे अभी बहुत सारी इंटरेस्टिंग वीडियोस आने वाली है जिसकी मदद से हम थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को काफी गहराई से समझेंगे। तो तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, देखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा इस चैनल से।